हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गायत्री सुबह जल्दी उठकर पूजा करके घर के हॉल में बैठी चाय का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब गायत्री को चाय नहीं मिलती, तभी वो गुस्से में अपनी बहू मालती और पोता बहू मीरा को आवाज देकर बुलाती है। महारानियों, मेरी सुबह की चाय कहाँ है? आज के दिन में मुझे सुबह की चाय मिलेगी कि नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों सास बहू का कोई अता पता ही नहीं है। माफ करिए अम्मा जी, अभी लाते हैं। ये तो तुम्हारा रोज का काम है, रोज जब तक तुमसे चिल्लाकर चाय ना मांगो तब तक चाय मिलती ही नहीं है। दोनों सास बहू में कोई ऐसी नहीं है जो बिना कहे कोई काम कर ले। अम्मा जी, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस घर की बहू तो ये है ना, तो इसे सुबह जल्दी उठकर सारा काम करना चाहिए, सभी लोगों को चाय देनी चाहिए। अब क्या ये इतना भी नहीं कर सकती? आप सच कहती हैं, ये बहुत आलसी है। लगता है आपको सुनाई भी कम देता है माँ जी, क्योंकि दादी हम दोनों को ही सुना रही है और वो हम दोनों को ही आलसी बता रही है, और आपको ज्यादा इनडायरेक्टली वे में वो आपको आलसी बहू की निकम्मी सास कह रही है। क्यों दादी जी, सही बोला ना मैंने? हाँ बहू, बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है कि तुम दोनों की तारीफ करूँ मैं, जो इतनी खुशी से बात कर रही हो। अम्मा जी, इसे बात तो समझ में जब आएगी ना, जब इसके पास दिमाग होगा। और आपकी चाय देने में लेट रोज मेरी वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से होता है। माँ जी, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मेरा ही नाम लिखा है क्या कि सिर्फ मैं ही चाय दूंगी दादी को? आप भी तो इस घर की बहू हैं, तो आप भी तो दे सकती हो ना। और वैसे भी सुबह खुलने के बाद आप करती ही क्या है? मीरा और मालती दोनों इतना कहकर गायत्री के सामने ही जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्लाते हुए लड़ाई करने लगती हैं। दोनों को अपनी लापरवाही और गलती को मानने की जगह एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को गुस्सा करते हुए जोर से कहती है, बस अब खबरदार, अगर दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द भी निकला तो अभी के अभी दोनों को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद तुम्हें जितना लड़ना होगा लड़ लेना, क्योंकि मुझे मेरे घर में शांति चाहिए, अशांति नहीं। अम्मा जी, मैंने क्या किया? हाँ तो मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है इसमें? अब आप ही बता दो दादी जी, मैं अकेली क्या क्या करूँ? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। घर से निकाल कर दिखाऊं क्या? अगर नहीं तो बिना कुछ बोले चुपचाप मेरी आंखों से दूर हो जाओ। दोनों के दोनों भगवान ने मुझे हाथ पैर दे रखे हैं, मुझे चाय चाहिए होगी तो मैं खुद जाकर पी लूंगी, अभी जान है मेरी बूढ़ी हड्डियों में। गायत्री को इतने गुस्से में देखकर दोनों सास बहू आगे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन दोनों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आता। दिन पर दिन उनकी हरकतें सुधरने की जगह और बिगड़ती हुई देखकर गायत्री का खून खौलने लगता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज गायत्री अपनी बहू मालती के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू अगर थक ना गई हो तो मेरी दमे की दवाई ऑर्डर कर दे, अभी ठंड चल रही है इसीलिए मेरी सांसें ज्यादा फूलने लगी है, एक दिन भी बिना दवाई के नहीं चलेगा। जी अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी दवा ऑर्डर कर दूंगी, खत्म होने से पहले ही दवा आ जाएगी। बहू सच बात तो ये है कि मुझे चिंता तो बहुत है, क्योंकि जहाँ एक तरफ तेरी बहू एक नंबर की आलसी है तो वहीं दूसरी तरफ तू उससे ज्यादा निकम्मी है। कम से कम वो कोई काम कहने पर देर से ही सही, लेकिन कर तो देती है, तेरी तरह पतली गली लेकर निकल तो नहीं जाती। अम्मा जी, आप मुझे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती, इस बार मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। क्योंकि तू निकम्मी है? नहीं अम्मा जी, बल्कि ये साबित करूंगी कि मैं जो जिम्मेदारी लेती हूँ उसे पूरा भी करती हूँ। देखती हूँ वो भी, लेकिन इस बार कोई लापरवाही या आलसपन मत करना, इस बार मेरी जान की बात है। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। वहीं कुछ मालती के साथ भी होता है। गायत्री के इतना समझने के बाद भी फल ना मिलने पर मालती अपनी सास की दवाई ऑर्डर करने का काम अपनी बहू मीरा को देकर खुद बेफिक्र हो जाती है। और समय बीतता है, तभी एक रोज अचानक दवा ना मिलने पर गायत्री की सांसें फूलने लगती हैं।
सभी घरवाले बहुत घबरा जाते हैं। तभी गायत्री का पोता सुरेश अपनी पत्नी मीरा को गायत्री की दवा लाने को कहता है, जिस पर वो कहती है, सुरेश जी, दादी की दवा तो कब की खत्म हो गई, मैं ऑर्डर करना भी भूल गई। सोचा अभी कर दूंगी पर फिर दिमाग से निकल गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम लोग किसी की सेहत के साथ कैसे मजाक कर सकते हो, इतना भी क्या आलस, हद है यार। बेटा तू बहू को क्यों सुना रहा है, मैंने तेरी माँ मालती को बोला था दवाई ऑर्डर करने को। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने, तूने मंगा लिया होगा ना। अम्मा जी वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने बहू को बोला था। आपने बहू को बोला और आपकी बहू भूल गई, वो कौन सा आपसे कम आलसी है। आप लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रहने दे बेटा, मेरी अलमारी के ड्रॉअर में मेरी सांस की कैप्सूल और पंप दोनों रखा हुआ है, लाकर दे दे, मैंने पहले ही दवा मंगा ली थी। मैं इन दोनों सास बहू के आलसपने और निकम्मेपने से वाकिफ थी। बेटा तेरी माँ आलसी बहू की निकम्मी सास है। सुरेश तुरंत अलमारी से दवा निकाल कर अपनी दादी को देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और पत्नी को उनके आलसपने के चलते बहुत सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है, तभी एक रोज पूरी फैमिली तैयार होकर शादी में जाते हैं। शादी दूर होने की वजह से सभी लोग सुबह घर लौट कर आते हैं, और जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, पूरे घर का सामान उथल पुथल और तिजोरी का ताला टूटा हुआ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी गायत्री अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे घर में चोरी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरे घर का तो ताला तक नहीं टूटा है, तो चोरी कैसे हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय राम रे, चोरों ने एक सिक्का तक नहीं छोड़ा, पूरी तिजोरी साफ कर दी, लेकिन ये हुआ कैसे। अपने घर में हुई चोरी को देखकर गायत्री बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके घर का ताला भी नहीं टूटा था, तो चोरी हुई कैसे। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन नीलम, जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, वो अंदर आकर गायत्री से कहती है, अम्मा जी ये चोरी मेन दरवाजे से नहीं बल्कि छत से हुई है। चोर मेन दरवाजे से नहीं छत से आए, पहले चोर मेरे घर में आए और उसके बाद आपके घर पर आए हैं। लगता है आपके छत का दरवाजा खुला रह गया था, इसलिए आपके घर भी चोरी हो गई। मैं तो कब से यही जानने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरे घर की छत का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। मालती बहू, शादी में जाने से पहले मैंने तुझसे कहा था कि एक बार छत के दरवाजे को चेक कर लेना, बंद है या नहीं, तूने किया था। अम्मा जी मैंने मीरा बहू को कह दिया था कि वो जाके देख ले, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन दादी जब बहुत देर हो गई, माँ जी दोबारा नहीं आई, तो मुझे लगा उन्होंने बंद कर दिया होगा, तभी बोलने नहीं आई, इसलिए मैं भी नहीं गई। सत्या नाश हो तुम दोनों का, बहू तो आलसी थी ही, सास तो उससे भी ज्यादा निकम्मी निकली। तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, ऐसे आलसी और निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। दादी आप ये क्या कह रही है, मानता हूँ इन लोगों की आदतें ना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे घर से निकालना भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ अम्मा जी अब जाने भी दीजिए, अब जो होना था वो तो हो गया, इनको घर से निकालने से आपका कौन सा नुकसान भर जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बहुत हो गया अब इस घर में सास बहू का आलसीपन, आखिर मैं अकेली बुढ़िया कब तक इस घर को संभालूं। जहां इसे अपनी बहू को सिखाना चाहिए, वहां उससे ज्यादा ये निकम्मी है, आलसी बहू की निकम्मी सास, इसीलिए दोनों ही घर से बाहर जाएंगी बस। गायत्री की बात सुनकर दोनों सास बहू गायत्री के पैर पकड़कर रोते हुए उससे माफी मांगने लगती हैं। उन्हें अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर गायत्री उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपना आलसपना और निकम्मापना छोड़कर सभी कामों को सही समय पर और बिना आलस के करना शुरू कर देती हैं। इससे गायत्री को आलसी बहू और उसकी निकम्मी सास से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। शीतल अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के बारे में बताते हुए बोलती है, भाभी मुझे आपको कुछ बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। साफ साफ बताओ ना क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रही हो। अच्छा ये बात है तो ठीक है,
भाभी मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो तुम इसमें इतना घबरा क्यों रही हो? इतनी सी तो बात है। अच्छा लड़का कौन है, क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं भाभी आप तो उसे नहीं जानती, पर हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये बात दीदी को बताई? नहीं नहीं भाभी, ये बात अगर मैंने बड़ी भाभी को बताई वो तो मुझे डांट कर ही चुप करवा देगी। लेकिन उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी होना मुमकिन नहीं है शीतल, ये बात जानती हो ना तुम? जी भाभी ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ, यही सोच कर मुझे डर लगे जा रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारे लिए उनसे? हाँ भाभी आप करके देखो। मीनाक्षी और शीतल दोनों मिलकर राधिका के कमरे में चली जाती हैं। राधिका दोनों को एक साथ अपने कमरे में आता देख चौंक जाती हैं और वो उन दोनों से बोलती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, असल में हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है? हमारी शीतल जवान हो रही है, आपको नहीं लगता उसके हाथ पीले कर देने चाहिए? हाँ ये तो तुम सही कह रही हो बिल्कुल, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। तो सिर्फ सोचती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? लड़का भी तो होना चाहिए ना मीना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है शादी। लड़का है ना भाभी, शीतल ने ढूंढ लिया है। शीतल ये सच है? और लड़का कौन है, कब से चल रहा है ये सब? ये सच है भाभी, वो मेरी कॉलेज में ही पढ़ता है, हम दोनों 4 साल से एक साथ हैं। और तुम हमें अब बता रही हो, वैसे लड़के का नाम क्या है? पहले बताकर क्या होता, शादी की उम्र तो मेरी अब हुई है ना। ये भी ठीक बात है, अच्छा नाम क्या है उसका? रुद्र। तो घर पर बुलाओ रुद्र को। ठीक है भाभी मैं आज बुला लेती हूँ। अच्छा मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप दोनों से शाम को मिलती हूँ। और मीनाक्षी भाभी आप जरा मेरे साथ नीचे आना। शीतल और मीनाक्षी अब नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर शीतल जल्दी से मीनाक्षी के गले लग जाती है, फिर उससे बोलती है, थैंक यू सो मच भाभी, आज आपकी वजह से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अरे शीतल कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज था, अब तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। ठीक है भाभी बाय। अब शीतल वहाँ से चली जाती है और अपने कॉलेज पहुँचकर वहाँ जाकर ये खुशखबरी रुद्र को सुनाती है। पता है तुम्हें भाभी मान गई। क्या लेकिन ऐसे कैसे मान गई? मेरा मतलब है कि तुम ही कह रही थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। हाँ मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बड़ी भाभी से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती, फिर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने सारी बात अपनी छोटी भाभी को बता दी, फिर उन्होंने अपने तरीके से बड़ी भाभी से बात कर ली। अच्छा तो ये बात है, फिर क्या नतीजा निकला? भाभी ने ना तुम्हें घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ घर चलना। अच्छा ठीक है मैं चलूंगा उनसे मिलने। देखो उनके सामने अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना, अगर तुम उन्हें अच्छे लगे ना तो ही रिश्ता मंजूर करेंगी, वरना तो समझ जाओ। हाँ बेबी समझ रहा हूँ, अब क्लास में चलें। फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं। पूरा दिन कब पलक झपकते ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर शाम को दोनों मिलकर शीतल के घर पर जाते हैं। शीतल घर के बाहर खड़े होकर रुद्र से बोलती है, रुद्र बेबी भाभी से बिल्कुल आराम से बात करना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना। चिंता मत करो यार मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा वैसा, अब चले अंदर। हाँ ठीक है चलते हैं। दोनों मिलकर घर के अंदर आते हैं। अंदर पहुँचते ही शीतल मीनाक्षी को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, भाभी मैं घर आ गई। शीतल की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर आ जाती है। शीतल के साथ रुद्र को देखकर वो उनसे बोलती है, अच्छा तो यही है वो जिससे हमारी शीतल प्यार करती है। जी नमस्ते। नमस्ते, आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए आराम से बैठिए। शीतल इन्हें अंदर लेकर आओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी भाभी। रुद्र आओ। शीतल रुद्र को अंदर डाइनिंग रूम में लेकर जाती है, वहाँ वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में ही मीनाक्षी उनके लिए कुछ खाने को बना देती है, फिर वो उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनसे बोलती है, ये लीजिए पहले कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी ना? जी वो तो लग रही है, थैंक यू सो मच। शीतल चलो तुम भी इनके साथ खा लो। जी भाभी आप बैठिए ना। नहीं तुम बातें करो, मैं थोड़ी देर में दीदी के साथ आती हूँ। जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर शीतल और रुद्र बातें करने लगते हैं। रुद्र शीतल से बोलता है, यार तुम्हारी ये वाली भाभी तो बहुत अच्छी है। हाँ रुद्र वो तो मुझे भी पता है, और जितनी अच्छी है ना उतनी समझदार भी है। हाँ वो तो दिखता है इनके चेहरे से और बातों से। और तुम्हारी बड़ी भाभी वो कैसी है?
रुद्र जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही राधिका वहाँ आ जाती है और शीतल से बोलती है। हाँ शीतल, इन्हें बताओ कि तुम्हारी बड़ी भाभी कैसी है। उसे वहाँ देखकर शीतल और रुद्र खड़े हो जाते हैं। रुद्र राधिका से बोलता है, नमस्ते। नमस्ते, बैठो। शीतल और रुद्र भी बैठ जाते हैं। अब मीनाक्षी भी वहाँ आ जाती है। राधिका शीतल से बोलती है, अरे शीतल, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में अभी तक। ये पूछ रहे थे ना, जल्दी बताओ। जी भाभी, रुद्र ये मेरी बड़ी भाभी राधिका है, भाभी ये रुद्र है। अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका। वैसे आप पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? जी मैं अपने पापा का बिजनेस देखता हूँ, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आप भी आगे जाकर यही करने वाले हैं? जी नहीं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओह अच्छा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, अच्छी बात है। पर क्या आप हमारी शीतल का अच्छे से ख्याल रख पाओगे? जी बहुत अच्छे से रखूंगा शीतल का ख्याल। मुझे आपका कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया। तो रुद्र कल फिर आना, बाकी की बातें कल करते हैं। जी ठीक है। भाभी मैं इन्हें घर के बाहर छोड़ कर आती। फिर शीतल रुद्र को घर से बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। बाहर आकर रुद्र शीतल से बोलता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी भाभी को मैं कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद आ गए, इसलिए तुम्हें कल फिर बुलाया है। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्या पता कल वो हमारा रोका ही कर दे। खैर कल देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, आराम से जाना। रुद्र वहाँ से चला जाता है और शीतल भी घर में वापस आ जाती है। अंदर आने के बाद शीतल मीनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है, भाभी आपको क्या लगता है, रुद्र बड़ी भाभी को पसंद आया होगा? मुझे लगता है कि उन्हें रुद्र अच्छे लगे हैं, पर हो सकता है कि कुछ और बात हो, इसलिए उन्होंने दोबारा बुलाया है रुद्र को कल। भाभी मुझे तो सोच कर ही घबराहट से हो रही है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और भगवान पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर बर्तन धोने लगती हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन रुद्र वापस उनके घर आता है तो राधिका उससे बोलती है, आओ बैठो और ये बताओ तुम तैयार हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें शीतल से शादी करनी है या नहीं? जी वो तो करनी है, जब ही मैं यहाँ आया हूँ। तो उसी के लिए पूछ रही हूँ, तैयार हो ना? जी मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है फिर, शीतल इधर आकर बैठो इनके साथ। जी भाभी। शीतल रुद्र के साइड में बैठ जाती है और फिर राधिका मीनाक्षी से कहती है, मीना जाओ कमरे में कुछ सामान पड़ा है, इसको लेकर आओ। जी दीदी अभी लाती हूँ। मीनाक्षी अंदर कमरे से सामान लेकर आ जाती है। फिर राधिका रुद्र से बोलती है, ये लो अंगूठी रुद्र, और शीतल को पहना दो, और आज से शीतल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी ठीक है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जिंदगी बड़े ही प्यार से निभाऊंगा। ये लो शीतल, तुम भी पहना दो। जी भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोनों राधिका और मीनाक्षी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका उनकी शादी भी करवा देती है। फिर सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।